नमस्कार। पिछले हफ्ते आगरा की एक फैक्ट्री से दवाइयों के जब्त किए गए नमूनों की रिपोर्ट आई। दो फैक्ट्रियों से लिए गए 30 सैंपलों में से 24 फेल निकले। सरकारी एजेंसियों के मुताबिक यहां से नकली दवाएं भारत के साथ साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश तक भेजी जाती थी। पिछले ही हफ्ते पुलिस ने गाजियाबाद में नकली दवाओं का एक बड़ा रैकेट पकड़ा। वैसे ये कोई नया मामला नहीं है। कुछ समय पहले भी जाम्बिया और उज्बेकिस्तान में भारत के बने हुए कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत की घटना सुर्खियों में बनी रही। नकली दवाओं को लेकर धरपकड़ चलती रहती है, लेकिन इनका धंधा बढ़ता ही जा रहा है। दुनिया में नकली या घटिया दवाओं का कारोबार करीबन 1% है, पर भारत और पाकिस्तान जैसे देशों में लगभग 13% या इससे भी ज्यादा है। नकली दवा के खिलाफ बने कानूनों में दवा से मौत होने पर उम्र कैद की सजा है, लेकिन आज तक ये सजा किसी को नहीं मिली है। इसी से नकली दवा माफिया बेखौफ अपना काला कारोबार चलाए जा रहे हैं। ये तो केवल दवाओं का मामला है, मगर मिलावट तो लगभग हर खाने पीने की चीजों में हो रही है और उससे नुकसान भी हो रहा है। दूध को ही ले लीजिए, गरीब हो या अमीर, दूध तो हर किसी की जरूरत है। 2019 के आंकड़ों के अनुसार देश में केवल 17 करोड़ लीटर दूध पैदा हुआ, मगर इसकी खपत 64 करोड़ लीटर की है। बाकी का डिफरेंस कैसे पूरा हुआ? जाहिर है कि बाकी का दूध मिलावटी था, जिसमें डिटर्जेंट पाउडर, यूरिया, कास्टिक सोडा और अन्य केमिकल मिलाए गए होंगे। इसी से घी और मावा भी बनता है, और जिससे किडनी खराब हो जाती है, हार्ट अटैक आ जाता है, ब्रेन स्ट्रोक बढ़ा है। यही स्थिति नकली मसालों की भी है। नकली चावल, नकली दाल तो पहले से ही थे, अब तो अंडे भी नकली आने लगे हैं। भारत में नकली या मिलावटी सामानों के लिए 2006 में कम से कम 10 लाख रुपए जुर्माना और 6 महीने की सजा की व्यवस्था की गई। वहीं एक्ट में 3 साल तक की सजा की व्यवस्था भी हुई। लेकिन सारी मेहनत सुस्ती, लाचारी या भ्रष्टाचार के हाथों में दम तोड़ देती है, क्योंकि नकली और एक्सपायर सामान मार्केट में भरे हुए हैं, जिनकी 30 त्योहारों के अलावा कभी जांच नहीं होती है। सवाल ये है कि मौत का कारोबार कब बंद होगा? कौन सी सरकार ये व्यवस्था इन पर लगाम कसेगी, या फिर ऐसी उम्मीद करें कि खुद नकली दवा के कारोबार सुधर जाएंगे? जाहिर है ऐसी उम्मीद बेमानी है। तरीका सिर्फ एक ही है, अमेरिका की तरह ऐसे मामलों पर तेजी से सजा मिलने की व्यवस्था की जाए, नहीं तो मिलावट का ये माफिया बेखौफ यूं ही घूमता रहेगा। आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।